दोस्तों IFFI के जूरी प्रमुख नादव लापिट ने महोत्सव के समापन समारोह के दौरान फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और अनुचित करार दिया और कहा है कि महोत्सव की भावनाओं को निश्चित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें, आलोचनात्मक चर्चा भी होनी चाहिए जो कला और जीवन के लिए जरूरी है। इससे पहले सोमवार को लापिट ने कहा था कि इस फिल्म को लेकर IFFI परेशान है। जूरी के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि उनमें 14 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में सिनेमाई गुणवत्ता थी। लापिट ने कहा है कि हम सभी 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल से परेशान और स्तंभ थे। ये हमें एक प्रचार अश्लील फिल्म की तरह लगा जो इसने और इतनी प्रतिष्ठा फिल्म समारोह के कलात्मक प्रतिस्पर्धा के लिए अनुरूप किया है। उन्होंने कहा कि इस मंच पर आपके साथ इन भावनाओं को खुलकर साझा करने में पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा हूँ। चूँकि महोत्सव की भावना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चर्चा को भी स्वीकार कर सकती है जो कला और जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों 23 नवंबर को इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स के बारे में कहा था कि इसने दुनिया भर के लोगों को 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ हुई त्रासदी के बारे में जागरूक होने में मदद की है। उन्होंने कहा था कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म के लिए दुनिया भर के लगभग 500 लोगों का साक्षात्कार किया। बढ़ती हिंसा के बाद 19 जनवरी 1990 की रात 5 लाख कश्मीर पंडितों को कश्मीर घाटी में अपने घरों और यादों को छोड़ना पड़ा। एक कश्मीरी हिंदू के रूप में त्रासदी के साथ रहता था, लेकिन कोई भी एक त्रासदी को पहचान नहीं कर रहा था। दुनिया इस त्रासदी को छिपाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों अब आप क्या राय रखते हैं इस खबर को जानकर, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर जवाब दें। और दोस्तों इसी तरीके की अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।